अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सदर बाजार में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज लोधी समाज ने यहां पर 1857 की अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, वो मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने यहाँ पर शिरकत की और वो यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं और सभी लोग उनका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। 1857 की बात की जाए, यानी कि अंग्रेजों के साथ जो पहला आज़ादी को लेकर जो संग्राम हुआ था, उसमें सबसे आगे रहने वाली वीरांगना महारानी अवंतीबाई ये उन महिलाओं में से थी। जिस तरीके से हम महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं और उसी तरीके से वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी हैं, जो कि लोधी समाज से जुड़ी हुई है। और आज आप देख सकते हैं लोधी समाज की तरफ से ये यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर आज जो बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, वो यहाँ पर लोधी समाज के तमाम लोगों के बीच में पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी हैं, उनको फूल अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है क्योंकि आज उनकी जयंती है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं लोधी समाज किस तरीके से ढोल बजाता हुआ और आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी लोधी समाज से जुड़ी हुई किस तरीके से यहाँ पर पहुँची हैं और आज फूल मालाएं अर्पित की जा रही है और ख़ास तौर पर फूल भेंट चढ़ाकर जो महारानी अवंतीबाई लोधी जी हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी से जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा पहुँचे, सबसे पहले उनसे ही जानेंगे। सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या बताना चाहेंगे महारानी अवंतीबाई लोधी जी के बारे में? आज महारानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती है, इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारे कार्यकर्ता ने कार्यक्रम किया है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही शहीदों की वजह से जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसी बहुत से वीर और वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे देश को स्वतंत्र बनाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। और आज इस अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं कि ऐसे ऐसे चाहे अवंतीबाई लोधी जी हो, महारानी लक्ष्मीबाई जी हो और बहुत से ऐसे चाहे भगत सिंह जी हो, बहुत से ऐसे शहीद हुए हैं हमारे देश के अंदर के, और ऐसे बहुत से लाखों हजारों शहीद ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं हमारे इतिहास में, वो छिपाया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो हैं वो आगे आ रहे हैं और ऐसी ऐसी जो ये जयंतियाँ मनाई जाती हैं जो हमारे आज के नई पीढ़ी हैं, नए युवा हैं, उनको भी अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता चलता है कि हमारा देश कैसा था और आज हम कैसे हैं। जो देश अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपने को याद रखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये अवंतीबाई जी की जयंती मनाई जा रही है और उस सब के लिए मैं यहाँ के आज को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं और बाकी सर से भी जानेंगे। सर, यहाँ पर आज आप पहुँचे हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं IBN 24 टीम को बताना चाहूँगा कि आज महारानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्मदिन है। 1831 को 16 अगस्त के दिन आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश से ये हैं और देश की जो पहली प्रथम स्वाधीनता संग्राम था उसके अंदर इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज अखिल भारतीय लोधा लोधी और लोध महासभा इस जयंती को मना रहे हैं। मैं सभी को उनके जयंती पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐसी उस समय क्रांतिकारी नहीं है, बहुत कम महिलाएं हमारे देश की, बहुत सारी वीरांगनाएं हमारे देश के लिए लड़ी हैं। लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में हम सभी जानते हैं,
परंतु बहुत से ऐसी भी वीरांगनाएं हैं जिनका नाम हम नहीं जानते। पिछले जब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन सरकार आने के बाद ऐसा पुराना इतिहास जो 1947 से हमें पढ़ाया जा रहा था, जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं थी, अब उस इतिहास को जो एक्चुअल में जो हमारे देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो देश के लिए लड़े हैं, ऐसे क्रांतिकारी ऐसे महापुरुषों का इतिहास अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये खाली मैं ये कहूँगा कि जो ये लोधा लोधी समाज, एक समाज का ही इनलिए नहीं ये जिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए जिए थे। इनका जन्मदिन इनके जो भी समाज है सबको मनाना चाहिए। कहीं एक बिरादरी के लिए वो नहीं लड़े जो वो बिरादरी इस उनके जन्मदिन को मनाए, सभी समाज के लोगों को इनका जन्मदिन मनाना चाहिए। लोगों को, बच्चों को इनकी कहानियाँ, इनके जो वीर गति को जिस तरह ये प्राप्त हुए, जिस प्रकार ये लड़े, तो आज के बच्चों को भी वो सारी बातें बतानी चाहिए। मैं सभी से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को इन वीरांगनाओं की कहानियाँ और इनकी बातें, इनकी शहादत के बारे में बताना चाहिए। हमारे साथ संजय बटला जी हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से उन्होंने एक बड़ी ही शानदार बात बोली कि जो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे देश के लिए लड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर समाज से नहीं है, बल्कि वो पूरे देश से हैं। हमारे साथ जिला प्रधान भी हैं मोहन जी, उनसे एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ बताएंगे जी। आज 1857 की वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्म दिवस है, और जैसे अभी संजय जी ने कहा है कि जो भी शहीद हुए हैं वो किसी एक समाज से नहीं है, वो भारतवर्ष के शहीद हैं, और पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को उनका जो भी जन्मदिवस है या पुण्यतिथि है उनको मिलकर बनाना चाहिए। और आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्मदिवस है, इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर पूरा समाज इकट्ठा है, और भाजपा के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे बीच में, मैं धन्यवाद करता हूँ, और पूरे समाज का भी वो आज इस मौके पर इकट्ठा हुए हैं, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले किस तरीके से जो महारानी अवंतीबाई है, आज उनका जन्म दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। निर्मला जी हैं हमारे साथ, वो अब जुड़ेंगी, चेयरमैन हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। जी मैम जी नमस्कार। आज वैसे माना जाए तो हमारे गौरव का दिन है, खासकर महिलाओं के लिए, कि हम सभी देशभक्तों को, शहीदों को याद करते हैं। और हमारे 1947 की आज़ादी से पहले कितनी ही महिलाओं ने, कितनी ही भाइयों ने, कितनी ही बहनों ने, कितने पुरुषों ने हमारे बलिदान दिया, वो शहीद हुए तो हमें आज़ादी मिली। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन वीर वीरांगनाओं को, उन वीर सपूतों को कहीं ना कहीं हम भुला दिया गया, उनका बलिदान हमने भुला दिया। लेकिन धन्यवाद महिलाओं, सभी महिलाओं की तरफ से मोदी सरकार को, कि उन्होंने ऐसी ऐसी महिलाओं को ढूंढ के निकाला है, और हम सब उनके प्रति बहुत ही कृतार्थ हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम जो हैं सब महिलाओं की तरफ से, मैं उनको हार्दिक गौरवान्वित महसूस कर रही हूं, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पल माने, मैं ऐसी ऐसी वीरांगनाओं को हमें श्रद्धांजलि देने का मौका मिला, और आगे भी ऐसी ऐसी जो हमारी बहुत बड़ी बलिदानी बहनें हुई हैं उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे, ऐसा मेरा विचार। बिल्कुल, निर्मला जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो वीर वीरांगनाएँ हैं या फिर वीर जो जवान हैं, उनके बदौलत ही आज हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ। धन्यवाद।